हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगेन आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY शेयर करने वाली हूं और वो है एक बॉटल आर्ट। आज मैंने बॉटल के ऊपर एक ट्री का शेप निकाला है। किस तरह से ब्रश का यूज़ करके मैंने इतनी आसानी से इस तरह से ट्री बनाए हैं, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप किसी भी तरह का बॉटल ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये स्क्वायर शेप का बॉटल था, आज मैंने इसी का यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई राउंडेड शेप का है तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जेसो का एक लेयर, उसे ब्रश की हेल्प के साथ मैं लगा रही हूँ। ब्रश के स्ट्रोक ना दिखे इसलिए मैं पूरे बॉटल को स्पंज के साथ डैब डैब कर रही हूँ। पूरे बॉटल के ऊपर हमें डैब करना है और ये फर्स्ट लेयर जो है हमें इसे सूखने के लिए रख देना है। जैसे ही फर्स्ट लेयर सूख जाएगा इसके ऊपर हमें और एक कोट लगाना है जेसो का, और उसे भी स्पंज के साथ हमें डैब डैब करते हुए पूरी बॉटल के ऊपर जेसो को अच्छे से लगाना है। इसके बाद मैं अब बॉटल को जो है ड्राई होने के लिए छोड़ रही हूँ। ड्राई होने के बाद इसके ऊपर मैं एक्रेलिक ब्लैक कलर लेकर यहाँ पर ट्री का एक शेप निकाल रही हूँ, जिससे टहनियाँ वगैरह अच्छे से ब्लैक कलर के साथ मैं फिल करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर बॉटल के ऊपर वाइट कलर करना भूल गई थी, इसलिए मैं फिर से इसके ऊपर वाइट कलर कर रही हूँ। पूरी बॉटल के ऊपर मैं ये वाइट कलर लगाने वाली हूँ और सेम इसके पीछे के साइड्स पे भी मैंने इसी तरह से एक ट्री बना लिया है एंड उसे भी मैंने ब्लैक कलर के साथ फिल कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, ये थोड़ा सा खराब हो चुका था और आपने अभी हाथों से देखा होगा कि मैंने इसे थोड़ा सा प्रेस कर दिया है और बहुत ही थोड़ा ग्रीन कलर लेके थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर डैब डैब कर रही हूँ। जिस तरह से हम स्पंज से डैब करते हैं जेसो को या फिर किसी कलर को, सेम उसी प्रोसीजर में हमें ये ब्रश से करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डार्क ग्रीन शेड ले रही हूँ और सेम उसी प्रोसीजर में मैं डैब डैब कर रही हूँ। बट हमें ये जो डार्क ग्रीन कलर है बहुत थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है। अब ये बॉटल बन के रेडी हो चुका है। अगर आप चाहे तो इसी तरह से ये ट्री रख सकते हैं या फिर आपको इसे अगर और डेंस बनाना है तो और इस पर ब्रश के स्ट्रोक आप लगा सकते हैं। इसे थोड़ा सा ड्राई करने के बाद मैं बैक साइड से भी इसी तरह से ट्री बनाने वाली हूँ। सेम वही प्रोसीजर मैं फॉलो कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैंने कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अलग लिए हैं। यहाँ पर मैं पिंक और गोल्डन के साथ काम करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी हो जाता है ये DIY। आप चाहे तो कोई भी और कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी इसे बना सकते हैं। ब्रश डैब डैब करते हुए आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा कलर ना ले, बहुत ही हल्का हल्का कलर लेकर हमें इस तरह से डैब डैब करते रहना है, तो जो टेक्सचर है वो ट्री का बहुत ही सुंदर आने वाला है। अब थोड़ा सा पिंक कलर होने के बाद मैंने गोल्डन कलर से इसे कर दिया है। अगर आपको कम डेंस चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पूरा होने के बाद इस तरह से बॉटल लग रहा था। कैसे लग रहा था ये DIY मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरा ये DIY अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर DIY को देखने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट DIY में, तब तक के लिए बाय बाय।